फ्रेंड द गन्नू किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं शक्कर पारे, जिसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम गेहूं का आटा, 2 टेबलस्पून तिल, 5 टेबलस्पून सूजी, 3 टेबलस्पून घी लिया, देसी घी लिया, 1 बड़ी कटोरी चीनी, 1.5 गिलास पानी लिया, ठीक है। और इसे हमें अच्छे से मैश कर लिया है ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। अब इन्हें हम एक एक करके मिलाएंगे। अब हम सूजी मिलाएंगे, सबको अच्छे से मिला लेंगे, घी को मिला लेंगे, अब इनको अच्छे तरह से मिला लेंगे। अब इनको अच्छे से मिल गया। अब ये देखो, ये बिल्कुल बढ़िया। अब ये इसका आटा हम थोड़ा टाइट गूंथ लेंगे ताकि शक्कर पारे एकदम क्रिस्पी बने। अगर आपने आटा ढीला गूंदा तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे, थोड़े टाइट बनेंगे। एकदम अच्छे से टाइट आटा गूंद लिया। अब आटा गूंद के देखो ये तैयार है, देखो कितना अच्छे से अब हमारा आटा एकदम टाइट गूंद गया। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, सारे मीडियम साइज के पेड़े बना लेंगे। ये हमारे पेड़े बनके तैयार है। अब हम इन्हें एक एक करके बेल लेंगे। ये टाइट आटा है और इसमें मोइन डाला है तो इसके किनारे थोड़े से ऐसे पड़ जाएंगे, लेकिन जब ये सिकेंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे देखने में। इनको ज्यादा पतला नहीं रखना, हल्का सा मोटा रखना। अब इन्हें हम कट कर लेंगे, साइज आप अपने हिसाब से जैसा मर्जी रख सकते हैं। अब हम इन्हें ऐसे कट कर बिल्कुल बर्फी के स्टाइल में एक एक करके हम इसको ऐसे बेल लेंगे। अभी हमारे कट के तैयार हो गए हैं। अब हमने यहाँ पे कढ़ाई में तेल लिया है सरसों का, आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो जो आप यूज करते हो वो ले लो तेल। हमने सरसों का तेल लिया जो बेटर है। अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। पहले हमने इसको हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया, अब हम इसको फ्लेम को स्लो कर लेंगे। अब हम इन्हें धीरे धीरे करके एक एक करके छोड़ देंगे, ऐसे करके धीरे धीरे छोड़ देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हम तलेंगे एक एक करके। फ्लेम को मत ही रखेंगे ताकि ये कच्चे ना रहे अंदर से। अब देखो ये हमारे बन रहे हैं। अब इन्हें धीरे धीरे करके हम पलटेंगे और ये गेहूं के आटे के तो ये बहुत ही क्रिस्पी होंगे। और हमने इसमें सूजी भी डाली है
तो ये बहुत अच्छे होंगे। मैदा के ठीक नहीं होते, गेहूं के आटे के बहुत ही अच्छे लगेंगे, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएंगे। आप इन्हें नाश्ते में, शाम के टाइम, जब जब आपका मन करे तब आप इन्हें खा सकते हैं। ये घर में सबको बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब ये बिल्कुल सिक गए हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए, कितना अच्छा से इनका कलर आया, और हमारे ये बहुत ही अच्छे लगेंगे, सबको ये बहुत पसंद आएंगे खाने में। दोस्तों इस टाइम लॉकडाउन है तो बाहर जाना इतना अवेलेबल नहीं है, तो घर में ये आपके बहुत ही अच्छे बनेंगे, और ये बच्चों को बिस्किट की याद भी नहीं दिलाएंगे। देखिए अब ये मेरे बनके बिल्कुल तैयार है। देखो अब मैं आपको इनको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये कितने सॉफ्ट है। अब ये ठंडे होने पे आप इनको खा लो। अगर आप दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी हम आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आएंगे। घर में रहो, सेफ रहो।